एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की थी कि एक्चुअल में ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है. हमने देखा था कि ग्रोथ क्या होती है, जब भी फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आते हैं उसको हम ग्रोथ बोलते हैं. बट एक्चुअल में डेवलपमेंट क्या होती है, जब प्रोग्रेस होती है इमोशनली, मेंटली या सोशली, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट. तो अभी आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट. और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में से आपको दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और दो क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों में से आते हैं. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पहला प्रिंसिपल जिसका नाम है, मतलब कौन सा प्रिंसिपल है, वो इंडिविजुअल डिफरेंस का. डेवलपमेंट में सबसे पहला प्रिंसिपल आता है इंडिविजुअल डिफरेंस. इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है कि हमें सबको पता है कि जो हर बच्चा है, हमें यही सिखाया जाता है पूरी बीएड में और वैसे भी जो टीचर्स होते हैं उनके लिए क्या होता है कि जो हर एक बच्चा है वो अलग है, यूनिक है. कोई भी बच्चा सेम नहीं होता बिकॉज हर एक बच्चे की अपनी एबिलिटी होती है, अपनी एक कैपेबिलिटी होती है किसी चीज़ को करने की. कोई बच्चा उस चीज़ को जल्दी सीख जाता है और कोई बच्चा है वो बहुत टाइम लेता है. मतलब हर एक बच्चा क्या होता है, अलग होता है. ये इसका है पहला प्रिंसिपल, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस. दूसरा प्रिंसिपल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, वो होती है रैपिड डेवलपमेंट इन अर्ली ईयर्स. रैपिड डेवलपमेंट क्या होती है कि बच्चा अपने स्टार्टिंग के ईयर्स में, मतलब अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं जिसको हम, स्टार्टिंग के ईयर्स में वो क्या करता है, बहुत जल्दी डेवलप कर जाता है. मतलब अर्ली ईयर्स में, क्योंकि जो अर्ली ईयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं बच्चे के लिए. और बच्चा हर एक चीज़ को सीखने की मतलब इच्छा रखता है और उसको हर चीज़ फटाफट से वो करता रहता है, एक्टिविटी करता है, उसको बहुत मन होता है एक्टिविटी करने की, वो चीज़ जल्दी सीख जाता है. तो मतलब जो अर्ली पीरियड्स होते हैं ना बच्चे के, वो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं. जैसे इन्फेंसी में यू कैन से, तो क्या होता है इन्फेंसी पीरियड जो 0 to 2 years तक होता है, उसमें बच्चे की मतलब क्षमता होती है क्रिएटिविटी करने की, उसकी बहुत मन होता है. मतलब वैसे ही बच्चा सीख जाता है स्टार्टिंग ईयर्स में. उसके बाद आती है इंटरैक्शन. दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है. वो क्वेश्चन क्या है, उनने पूछा है कि दो चीज़ें होती हैं जो दोनों के इंटरैक्शन से डेवलपमेंट होती है, तो वो दो चीज़ें कौन सी है. एक है हेरिडिटी, एक है एनवायरनमेंट. ये याद रखना, क्योंकि जो हेरिडिटी होती है वो बच्चे को पेरेंट्स से मिलती है. और जैसे मतलब पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स की कुछ मतलब क्वालिटीज होती हैं जो बच्चे में चले जाती हैं, वो हम सबको पता है, वो हम चेंज नहीं कर सकते. बट उनके साथ साथ इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है बच्चा, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट करता है. एज तो देखो, अगर देखा जाए एज की बात की जाए तो एज तो देखो, अगर बच्चा 2 साल का है, या आप ले लो 2 साल भी बहुत कम है, मतलब 5 साल का ले लो, ठीक है. तो वही 5 साल का बच्चा अगर किसी बड़े घर में है, अच्छे इन्वायरमेंट में है, तो वो पढ़ लिख रहा है. अगर वो किसी गरीब का बच्चा है या मतलब नहीं पढ़ सकता, अफोर्डेबल नहीं है, वो बेचारा गुब्बारे बेच रहा है बाहर जाके रोड पे, मतलब एज इसके नहीं है, मतलब ऑप्शन नहीं है एज का. थिंग इज द एनवायरनमेंट यू लिव इन एंड योर हेरिडिटी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है. और ये दोनों चीज़ों के इंटरैक्शन से डेवलपमेंट होती है. और थर्ड चीज देन कम्स द डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस. डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ये मैंने आपको बताया था. फ्रॉम द स्टार्टिंग, जब बेबी होने वाला होता है, मदर की वोम में होता है, तभी से मतलब उसमें चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है. और कब तक चलती है, टिल द डेथ. ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. उसके बाद लेट मी सी देयर इज समथिंग इम्पॉर्टेंट लेफ्ट. यस, दैट इज डेवलपमेंट इज नॉट लीनियर, इट इज स्पाइरल. मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो लीनियर नहीं होती, लीनियर इन द सेंस सबके लिए सेम नहीं होती, वो स्पाइरल होती है. स्पाइरल इन द सेंस कि हर एक बच्चा, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की है, हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक की कैपेबिलिटी अलग होती है, तो इसलिए हर एक बच्चे को सीखने में टाइम लगता है. लीनियर, सभी सेम नहीं चल सकते, एक प्रॉपर लाइन में आप कह सकते हो अगर आपको लर्न ही करना है. देन कम्स इट फॉलोज एन ऑर्डरली प्रोसेस, कि डेवलपमेंट भी एक ऑर्डर में होती है. दो तरह के ऑर्डर होते हैं, एक होता है सिफेलोकॉडल, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल. सिफेलोकॉडल एक्चुअल में क्या होता है, सिफेलोकॉडल होता है फ्रॉम हेड टू फुट जब बच्चे की डेवलपमेंट होती है. जैसे कि अभी बच्चा बॉर्न हुआ तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपना हेड हिलाना सीखता है, धीरे 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 फुट तक आता है, चलना सीखता है, राइट. तो ये होती है सिफेलोकॉडल फ्रॉम हेड टू फुट. फिर आता है प्रॉक्स
प्रॉक्सिमोडिस्टल. प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होती है, जिसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड पहले डेवलप होता है, मतलब आउटवर्ड की तरफ डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल. आई होप दिस प्रिंसिपल इज क्लियर टू यू. थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.